का सातवां क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। तो सातवां क्वेश्चन है, ट्राइग्लिसराइड के संगठन का वर्णन कीजिए, किस किस चीज़ से मिलकर बना हुआ होता है। तो हम देखेंगे धीरे धीरे उत्तर है इसका। एक ग्लिसरॉल के अणु, अणु से एक एक करके तीन वैसे अमल अणुओं के तीन सहसंयोज्य बंधों द्वारा जुड़ने से वास्तविक वसा का एक अणु बनता है, अर्थात ये ग्लिसरीन हो गया और यह आपका वसा हो गई, वसा का अणु बनता है। इस बंध को हम एस्टर बॉन्ड कहते हैं, जो ये इनके मध्य जो बॉन्ड बनेगा ये, तो हम इसे एस्टर बॉन्ड कहते हैं। ग्लिसरॉल एक ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल होता है जिसमें ये तीन कार्बन श्रृंखला होगी और इसमें ये तीन हाइड्रोजन, ये जो मैं ये कर रहा हूँ हाईलाइट, ये जो ओ एच है ये तीन एल्कोहल हाइड्रोलिक समूह द्वारा जुड़ता है। एस्टर बंध प्रत्येक हाइड्रोलिक समूह तथा एक वसीय अम्ल के कार्बोनिलिक समूह के बीच बनता है, अर्थात ये कार्बन वाला समूह आ गया और ये एल्कोहल वाला समूह आ गया, तो इस दोनों के मध्य ये बंध बनता है। जो था एस्टर बंध प्रत्येक हाइड्रोजन समूह तथा वसीय अम्लों में कार्बन समूह COOH के मध्य बनता है, इसलिए वसा अणु को ट्राइग्लिसरीन ग्लिसराइड या ट्राइग्लिसरॉल कहते हैं। तो देखो मैं हम इसको आसान भाषा में समझाता हूँ। देखो ये आपका हो गया ये एल्कोहल वाला समूह, ये ट्राइग्लिसरॉल है और जो ये COOH ये है आपका वसा वाला, तो ये सी हो गया और ये OH, और ये हम इसको बॉन्ड को जोड़ने के लिए हम इसको उपयोग करते हैं। ये तीन वैसे अणु हो गए और ये तीन ये ग्लिसरॉल हो गया, क्योंकि ग्लिसरॉल को हम एक ही पार्ट में जोड़ते हैं, तो ये तीन जो कार्बोनिल समूह होते हैं तो इसे हम ग्लिसरॉल कहते हैं। तो अब हम ये जानेंगे कि ये होता क्या है। तो देखो ये जो आपका कार्बन वाला है, जो ये कार्बन वाला है और ये है, तो इसके मध्य H2O निकल जाएगा, जो जल वहाँ निकल जाएगा और इनके मध्य ये बॉन्ड आपस में जो जल है वो इन दोनों से के बीच में से एक का ये H2O ये निकल जाएगा और ये बंद इसे ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा और इस तरह से ये एस्टर बॉन्ड का निर्माण कर लेता है। मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। देखो यहाँ पे ये तीन H2O ये बाहर जल के अणु निकल गए और ये जो COOH इनके मध्य ये बॉन्ड बन गया, और हम जो ये बना हुआ ये बॉन्ड है, देखो ये बना हुआ ये बॉन्ड है, हम इसको एस्टर बॉन्ड कहेंगे। तो ये आपको चित्र में भी समझा गया कि एक ट्राइग्लिसरीन अणु का एक संश्लेषण है, ये एक अणु है तो इसका संश्लेषण हुआ है। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और आपको और भी वीडियो चाहिए तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।